शुक्रवार को सोनीपत लोकसभा से अधिकृत प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने गनौर हलके में लगभग 15 सभाओं को संबोधित किया। इस बीच मोहनलाल बडोली न्यायिक परिसर में बार एसोसिएशन में पहुंचे। यहां पहुंचने पर बार प्रधान युद्धवीर सिंह व अधिवक्ताओं ने मोहनलाल बडोली व अन्य नेताओं का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मोहनलाल बडोली के साथ पहुंचे निशांत छोकर, देवेंद्र कादियान, आजाद नेहरा, अरुण त्यागी और गनौर विधायक निर्मल चौधरी ने वकीलों से मोहनलाल बडोली को वोट देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि वे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का काम करेंगे। तो आपके जो विचार इतने अच्छे हैं और आपने जो फुला के इतना प्यार मान और सम्मान हमें दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आज बार एसोसिएशन में आपने बुलाकर बहुत स्वागत किया है, बहुत मान सम्मान दिया है। हमारे बड़े भाई मोहनलाल बडोली जी प्रत्याशी के रूप में आज कमल लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें प्रत्याशी बनाकर सबके बीच में भेजा है। तो आज ये यहाँ आए हैं, आपने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है और हमारे सारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब पदाधिकारी और हमारे प्रभारी जी सब आपके बीच में आए हैं। आपने आशीर्वाद देके मुझे भी विधानसभा में भेज दिया था, जिसको ये बार आशीर्वाद देती है। और ये मेरा भाई जो है युद्धवीर रापड़िया, ये भी आपके आशीर्वाद से बना हुआ। तो मैं अपने आपको बार का ही एक मेंबर मानती हूँ और अगर आप लॉ करने से ही बार का मेंबर मानते हो तो मैं अगली बार लॉ करके भी आपके बीच में आ जाऊंगी, क्योंकि डिग्रिया मैंने उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि आप भरपूर प्यार दें और आपने जो है ये देखा है कि हमें जब सब चीजें मिली हैं और दो बार हमारी सरकार बन चुकी है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, अब तीसरी बार जो 400 पार का नारा है वो जो है आप सब लोग जो है मिलके उसको पार उतरवाएंगे। आप भरपूर प्यार देंगे, पहले भी आपने प्यार दिया है और पहले भी पार हमारे साथ मिलकर चलिए और हम बार के साथ मिलकर चलिए और आपके बीच के एक सदस्य है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार जहां राष्ट्र का चुनाव हो रहा है और इतना मजबूत राष्ट्र हमारा भारत देश बन के उभरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, आज जो भारत में इज्जत है, जो मान सम्मान है भारत का विदेश के विश्व के मानचित्र पर, उसको जो है हमें और बढ़ाना है। वहीं मोहन लाल बडोली ने भी अपने संबोधन में वकीलों से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते ज्यादा से ज्यादा वोट और आशीर्वाद देने की अपील की। ये वर्ष 2024 के लोकसभा का चुनाव और इसमें मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ दिन पहले संकल्प पत्र भी जारी हुआ और भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ, जिन संस्कारों के साथ 10 वर्ष का शासन आपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देखा है, देश में विकास की गति को भी आपने देखा है और देश में सर्व समाज को न्याय मिलने की जो प्रक्रिया हमारी सरकार की रही वो भी आपने देखी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान के लिए और इस देश के गौरव के लिए, इतिहास के लिए, इस भारत को विश्वगुरु बनाने में जो योगदान एक प्रधानमंत्री का होता है वो बखूबी निभाने का जो प्रयास किया है और पूरे विश्व में उस चीज की चर्चा भी हुई है और पूरे विश्व में आज भारत का नाम भी उस स्तर पर पहुंचा है जो भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक आदमी चाहता है कि मेरी भारत भूमि, जिसको हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भारत भूमि एक मंदिर है, इस मंदिर की हम पुजारी हैं और देश तो अनेक पूरी विश्व में बहुत सारे, लेकिन अपनी देश की भूमि को मां के रूप में मानना ये हमारे संस्कारों में है और उन संस्कारों को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिले जिन्होंने बखूबी निभाने का और दुनिया में बताने का भी उन्होंने एक जोरदार तरीके से इस देश के पक्ष को रखा है और आप सब ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है जो दुनिया के न्याय दिलवाने की प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं और न्याय करवाना आपका धर्म भी है, आपका काम भी है। जो न्याय आप पूरे जीवन अनेक लोगों को दिलवाने का प्रयास करेंगे, मैं मानता हूं ये 2024 का चुनाव उसी न्याय की प्रक्रिया में और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होंगे
और हमारे पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। तो पहली अपील आपसे ये करूंगा कि जब जब भी आज भी एक चरण का प्रथम चरण का चुनाव 19 तारीख को आपका मिलने वाला जुड़ने वाला आपका कोई भी दोस्त देश के किसी भी कोने में रहता है और वो भारत का नागरिक भारत का वोटर है तो आप जरूर उससे अपील करेंगे कि देश के हित में ये जो 2024 का चुनाव ये देश की दिशा को और दशा को दोनों को बदलने वाला चुनाव। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि वकीलों से आशीर्वाद और प्यार प्राप्त करने पहुंचे उन्हें पूरा भरोसा है उन्हें वकीलों का आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के दौरे के बारे में बताया व शुक्रवार को हुए 102 सीटों पर चुनाव में भाजपा की भारी जीत होने के दावे किए। इस दौरान उन्होंने सभी वोटरों से मत का प्रयोग देश हित में करने की अपील की। आज मैं गन्नौर विधानसभा के बाहर एसोसिएशन के सभी यहाँ वकीलों के पास आशीर्वाद समर्थन और प्यार लेने के लिए आया था। आज भरपूर प्यार और समर्थन बार एसोसिएशन गन्नौर ने प्रत्याशी के तौर पर मुझे दिया है और मुझे विश्वास है कि इनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भी आज जो है सोनीपत लोकसभा में है, क्या कारण हुआ कि उन्हें भी यहाँ पर हर क्षेत्र में जाना? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रात को जींद में थे और उनके सहयोगी रहे हैं रामलाल जी, उनके ड्राइवर रहे हैं, उनके बेटे की शादी थी, रात को 11 बजे वहाँ पहुंचे, वहीं रुके। आज जुलाना और जींद दो विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलना किया, उसके बाद सफेदों जो चुनाव कार्यालय है उस पर जाकर वहां मिलना हुआ और अब गोहाना और बड़ौदा दो विधानसभा का जो चुनावी कार्यालय गोहाना में है वहां कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और अब गन्नौर राई सोनीपत और खरखौदा 4 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सोनीपत कार्यालय में मिलना होगा और कुछ नई ज्वाइनिंग जो दूसरे दलों से विदाई लेके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे ऐसे कुछ नेताओं का आज पार्टी में विलय होगा और उनकी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे और ये चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, हमारे सभी स्टेट के नेता और हमारे स्टार प्रचारक, क्योंकि 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की सेवा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है और वो इस चुनावी अभियान में लगे हैं कि 10 की 10 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश की जीत के मोदी जी की झोली में डालने का काम करें, उस प्रयास में हम सब लगे हैं, उसी के निमित्त वो आ जाए। इस प्रकार का आज वोटिंग है और वोटिंग के जो रुझान जिस प्रकार की जानकारी हमें मिली है, आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी आज वोटिंग हुई है सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और जो नारा हमारा है 400 पार का, मुझे लगता है 400 से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी जाएगी। मोहनलाल जी, ज्यादातर लोग जो है अच्छी बातें करते हैं, मोदी जी भी लोग करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मैं सभी देश के महिलाओं से, पुरुषों से, सभी वोटरों से अपील करता हूं कि अपनी वोट का अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार में भागीदार बने और वोट किसी को भी दें लेकिन वोट जरूर करें। इस बात की अपील करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी नमस्कार करते हुए नम्र निवेदन करता हूं कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें और देश हित में करें और सोच के विचार के तब अपने मत का प्रयोग करें। इसके बाद जगत महान न्यूज की टीम उनके साथ बेगा रोड स्थित कार्यक्रम में पहुंची। यहां भी उनका लोगों ने उनका फूलमालाओं सहित पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भी मोहनलाल बडोली ने सभी को कहा कि आप मेरे हो में आपका, अगर मौका मिला तो आपकी भरपूर सेवा करूंगा। इस बात के मैं प्रयास में लगा हूं, 250 से ज्यादा मेरी हाजिरी नुक्कड़ सभाएं हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी टीम तेहा गांव पहुंची। यहां पर शादी सा माहौल था, ढोल बज रहा था, बैंड बाजा बज रहा था, आतिशबाजी हो रही रही और जब मोहनलाल बडोली गांव पहुंचे तो मानो सारा गांव उनके स्वागत में खड़ा हो ऐसा लग रहा था। यहां लोगों ने मोहनलाल बडोली का स्वागत क्या फुलामाला क्या गुलदस्ते, लोगों ने बड़ी सी माला से उनका स्वागत किया। जोरदार स्वागत से गदगद मोहनलाल बडोली ने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की और सभी को मोदी जी की राम राम दी। कार्यक्रम के पश्चात जगत महान न्यूज से बात करते हुए प्रसिद्ध समाज सेवी एवं भाजपा नेता देवेंद्र कादियान ने मिल रहे भारी जन समर्थन को देखते हुए सोनीपत लोकसभा सीट पहले से भी ज्यादा मतों से जीतने का दावा किया।
माहौल आपकी आंखों के सामने है, जो इन युवाओं में जो जोश आप देख रहे हैं, हम जो खड़े हैं गांव टेहा में, मैं समझता हूं हजारों की तादाद में, क्या मोटरसाइकिल रैली, क्या आप इनका झंडे से, पोस्टर से, बैनर से, बम पटाखों से, क्या हमारे प्रत्याशी का जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, मैं समझता हूं इस सोनीपत लोकसभा का अब की बार रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो कि लगभग 3.25 लाख का रिकॉर्ड रहा है। पीछे लगभग 20 साल पहले ये रिकॉर्ड बना था, वो भी बीजेपी पार्टी के ही कैंडिडेट थे सांगवान साहब, लेकिन अब की बार इस रिकॉर्ड को तोड़ के हम, मैं समझता हूँ 4 लाख से ज्यादा वोटों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, मोहन लाल बड़ोली जी। आज मनोहर लाल खट्टर भी जो है लोकसभा में थे और आप भी उनसे मिले हैं, इस तरह की बात वो मंत्र दे के गए हैं, वो हमारे अंदर ऊर्जा डाल के गए हैं सबको, एक तरीके से जो कैंपेनिंग जिस तरीके से चल रही है, सबसे 1-to-1 मिले हैं और जो जो चीजें हमने उनसे शेयर की उन्होंने हमारे से सुनी और बहुत सारी चीजों में उन्होंने हमारे को आगे की रणनीति के बारे में बताया है। और मैं समझता हूँ अभी आज 19 तारीख है, जल्दी ही अब हम नॉमिनेशन आएगा और उसके बाद हमारे ये जो रफ्तार है वो दुगनी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का अभी कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता, देखिए आप क्या मानते हैं? ये केवल सोनीपत लोकसभा की बात नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे देश में यही हाल है, उनको कोई भी आदमी मिल नहीं रहा है, सब लोग छुप रहे हैं। यहाँ चर्चाएं चल रही थी 2-3 नेताओं की, वो भी फोन स्विच ऑफ कर लिया कि जी मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये पूरे देश में हालात है, केवल हरियाणा में नहीं, और उनका जो अंतर्कलह है वो सबके सामने है। मैं समझता हूँ उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए, हो सकता है वो हमारे को वैसे ही समर्थन करते, भाई हम नहीं लड़ रहे। मोदी को बढ़िया काम कर रहा, हमारा खेती मजदूरी का काम पसंद है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है मोदी। हाँ। हम तो मोदी नहीं करते पसंद, सारी पसंद है उसके साथ, बढ़िया काम करे मोदी ने, सारा काम बढ़िया कर रहा है, उसकी वोट देंगे हम। जगत महान न्यूज के लिए गनौर के गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।